Look, I've been given a new room in the same hotel. What a view. Someone's got a balcony. Something I haven't had in Paris before. Woohoo! Farmer's market. It's early in the morning in Paris, around 8 o'clock, and it's cold, it's properly cold. I have my jacket with me, I'm just going to put it on, and it's drizzling lightly. It's amazing, you know, that at this time of the year, when the rest of the world is in sweltering heat, it's actually cold here. And किसी ने सही कहा है कि गोरे ने हमेशा उन जगहों पर जाके बसेरा जमाया है जहाँ पर मौसम अच्छा होता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, मतलब चाहे या फिर यूरोप हो. But I must say that there's a nice farmer's market happening behind me, and I've seen this one before. Some really nice fruits and vegetables. In no position to cook vegetables right now, so I'm not going to touch those. But there's some nice fruits, some nice cherries, and some nice berries there. I want to pick out some of those and visit some of the places that are the first priority on most people's list when they visit Paris, like the Louvre, like the Champs-Élysées, like the Eiffel Tower and the Arc de Triomphe. But I guess on my last, possibly my last day here, I'm trying to go home. Should go to these places. So I guess we will. मेरे दोस्त मोहम्मद असलम साहब जो हैं वो आज आग डी ट्रियम्फ और शांज़ेलीज़े की सैर कराने के लिए लाए हैं और भैया लुक एट दैट दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेरिस. यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का घर भी यहीं पे है, डिप्लोमेटिक एनक्लेव भी यहीं पे है और सारे अरब जो हैं सऊदी अरब के अमीर तरीन लोग उन्होंने इस एरिया में आके होटल सारे बुक किए हुए एंड वी गेट यू क्लोज़र. But that's the view from where we are right now. We just walked down the road and it's beautiful. अभी उन्होंने मुझे एक बड़े मज़े की बात बताई. उन्होंने कहा जब जर्मन जंगे दूसरी जंग अजीम में जब पेरिस पे कब्ज़ा करने वाले थे और वो अटैक कर रहे थे पेरिस पे, तो फ्रांसीसियों ने कहा कि हमारे शहर को दबाना करो, उसकी चाबियाँ ले लो और कब्ज़ा हम तुम्हें दे देते हैं खुद ही, मगर शहर को तबाह मत करो, बहुत खूबसूरत शहर है. मगर दूसरी तरफ ब्रिटिश अंग्रेज़ों का ख्याल था कि शहर तो टूटने के लिए होते हैं और दोबारा बनाए जा सकते हैं, पहले भी किसी ने बनाया है तो हम फिर से तामीर कर लेंगे, मगर कौम की इज्जत जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती. लिहाजा लंदन पे खूब हमले हुए और उसके कई हिस्से तबाह भी हो गए, मगर उसको उन्होंने दोबारा तामीर किया. और प्रायोरिटीज़ की बात है, मगर शायद उसकी एक वजह यह भी है कि उसी की वजह से शायद पेरिस आज दुनिया में सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाने वाला शहर है. छठा साल लगातार सबसे ज़्यादा टूरिस्ट पेरिस आए हैं. आज मौसम बहुत ही अच्छा है और पेरिस में बाकायदा सर्दी है. इट्स आवर गुड फॉर्चून दैट वी आर मेकिंग दिस लॉन्ग वॉक टू द शांज़ेलीज़े ऑन सच अ लवली डे. बैक अंडरग्राउंड, बाय बाय आर्क डी ट्रियम्फ.